फाजले का की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे करीब आधा दर्जन गांवों में सतलुज नदी के उफान के कारण खेतों में पानी भर जाने से कुछ स्थानों पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसे निपटाने के लिए मंडी बोर्ड ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़क संपर्क बहाल करना कठिन काम, उपायुक्त डॉक्टर सेनु दुग्गल ने कहा कि ऐसी आपदा के समय सड़क संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि इसलिए ग्रामीण सड़कों को टूटने से बचाने के लिए मंडी बोर्ड को तैनात किया गया है। मंडी बोर्ड के कार्यकारी अभियंता साहिल गगनेजा ने कहा कि नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर से गुजरने पर उन्हें नुकसान से बचाने के लिए उनके विभाग ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जिन स्थानों पर पानी बहता था वहाँ कंक्रीट की सड़कें बनाई गईं और पक्की सड़कें बनाई गईं, जैसे कि कंबावाली पुल से महातम नगर तक जाने वाले रास्ते पर रास्ता बनाया गया है। यहाँ से पानी आगे तक चला जाता है लेकिन सड़क को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा बोर्ड ने पहले ही मिट्टी की बोरियां भर दी थी, जिन्हें अब ट्रॉलियों के माध्यम से सड़कों के किनारों पर रखा जा रहा है, जहां पानी के बहाव के कारण सड़क के किनारे कमजोर हो गए हैं। इससे सड़क यातायात बहाल हो जाएगा और अंतिम गांव तक मदद पहुंचाने में तेजी आएगी। यहां बता दें कि जिला प्रशासन के ऐसे प्रयासों से गांव के लोगों को हिम्मत मिली है और वे लगातार प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं और खुद को सुरक्षित पा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।